हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम देखेंगे स्टैंजा। स्टैंजा तो हमें पता ही है होता क्या है और उसके टाइप्स। तो स्टैंजा होता है डिवीजन ऑफ फोर और मोर लाइंस हैविंग अ फिक्स्ड लेंथ मीटर और राइमिंग स्कीम, है ना, जो चार चार तीन तीन लाइन में हमारी पोएट्री डिवाइड होती है और उसका एक फिक्स्ड लेंथ होती है, मीटर होता है या राइमिंग स्कीम होती है, उसे हम कहते हैं स्टैंजा। ट्रेडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज पोएम्स हैव फॉलोइंग काइंड्स ऑफ स्टैंजास। अब किस किस तरीके के स्टैंजा होते हैं, स्टैंजा जिस जिस तरीके के होते हैं उनका भी नाम होता है, जैसे कपलेट। इट कंसिस्ट ऑफ टू राइमिंग लाइन्स हैविंग द सेम मीटर, जहां पे दो राइमिंग लाइन्स हैं और उनका मीटर सेम है तो वो है कपलेट। इसीलिए इसको कपलेट कहा क्योंकि दो लाइन्स हैं। टर्सेट, टर्सेट कंप्राइज ऑफ थ्री लाइन्स। टर्सेट का मतलब जहां पे स्टैंजा तीन लाइन का होगा वो टर्सेट होगा। फॉलोइंग सेम राइमिंग स्कीम, मतलब कि ए ए ए तीनों लाइन में यही राइमिंग स्कीम होगी या यही राइमिंग पैटर्न या ये राइमिंग पैटर्न होगा ए बी ए, तो वो तो है टर्सेट। ना क्वाट्रेन, क्वाट्रेन का मतलब होता है जो स्टैंजा फोर लाइन्स का होगा, दैट इज क्वाट्रेन। हैविंग कॉमन राइमिंग स्कीम्स, इसमें भी कैसी राइमिंग स्कीम होगी, ए ए ए ए या ए ए बी बी या ए बी ए बी, ये भी मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी कि ये राइमिंग स्कीम आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्विंटेन, क्विंटेन का मतलब होता है स्टैंजा ऑफ फाइव लाइंस। पांच लाइन का जो स्टैंजा होगा उसको क्विंटेन बोलेंगे। विच मे बी राइम्ड और अनराइम्ड एंड हैज अ टिपिकल स्ट्रेस पैटर्न, वो राइम्ड भी हो सकता है और अनराइम्ड भी हो सकता है और उसका एक टिपिकल स्ट्रेस पैटर्न होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो सिलेबल्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। सेस्टेट का मतलब होता है स्टैंजा ऑफ सिक्स लाइन्स, छह लाइन का स्टैंजा जो होगा उसको बोलेंगे सेस्टेट। थैंक यू।